प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि रियल लाइफ में पाइपलाइनिंग कैसे यूज होती है और इंस्ट्रक्शन यूज करके हम पाइपलाइनिंग कैसे अचीव करते हैं। अब मेन हम थ्योरी देख ले हैं कि होता क्या है पाइपलाइनिंग, उसके टाइप्स क्या होते हैं। तो पाइपलाइनिंग क्या है? पाइपलाइनिंग इज एन इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक वेयर मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस आर ओवरलैप्ड इन एग्जीक्यूशन। तो पाइपलाइनिंग एक टेक्निक है जिसमें मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ओवरलैपिंग वे में एग्जीक्यूट होते हैं, जो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में समझाया था। तो पाइपलाइनिंग क्या करता है? इंक्रीजेस द ओवरऑल इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट। तो इंस्ट्रक्शन थ्रूपुट बढ़ा देता है, यानी नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम ज्यादा हो जाएंगे। तो कम टाइम में हम ज्यादा इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग। इट इज यूज्ड वेयर ऑपरेशन कैन बी पार्टीशन इनटू सब टास्क। जब भी किसी ऑपरेशन को हम सब टास्क में पार्टीशन कर सकते हैं तो ही हम यहाँ पाइपलाइनिंग अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इंस्ट्रक्शन को हम मल्टीपल स्टेजेस में डिवाइड कर सकते थे, फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट। इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, इस पे पाइपलाइनिंग अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसा कोई टास्क जिसको हम फर्दर सब डिवाइड नहीं कर सकते हैं उस पे पाइपलाइनिंग यूज नहीं हो सकती है। पाइपलाइनिंग टेक्निक इज एफिशिएंट फॉर एप्लीकेशंस दैट नीड टू रिपीट द सेम टास्क इन मेनी टाइम्स विद डिफरेंट सेट ऑफ डेटा। तो ये कहां पर यूज होता है पाइपलाइनिंग का? जहां पर किसी चीज को, किसी टास्क को रिपीट करना होता है मल्टीपल टाइम्स लेकिन डिफरेंट सेट ऑफ डेटा के लिए। जैसे हम कह सकते हैं कि प्रोडक्शन कंपनीज जो हैं या मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज जो हैं वो इसका यूज करती हैं पाइपलाइनिंग का, क्योंकि जैसे सपोज एक कार जो है वो डेवलप हो रही है, तो कार में पहले क्या होगा, इसके पार्ट्स डेवलप होते हैं, फिर पार्ट्स जब डेवलप हो जाते हैं तो फिर उनको असेंबल किया जाता है, फिर कलर किया जाता है, पेंटिंग की जाती है। तो इसको हम डिवाइड कर सकते हैं, टास्क तो सेम ही है, कार डेवलप करनी है तो सेम टास्क, लेकिन क्या होता है रिपीटेशन में कार्स डेवलप होती हैं, ठीक है, उनकी सेट ऑफ डेटा क्या होंगे, अलग अलग होगा, किसी का कलर पिंक होगा, किसी का कलर ब्लैक होगा, तो सेट ऑफ डेटा डिफरेंट है, लेकिन हम सेम टास्क को क्या कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स रिपीट कर रहे हैं। तो ये भी क्या करते हैं, जब पार्ट्स डेवलप हो जाते हैं तो असेंबल के लिए भेज देते हैं, फिर नेक्स्ट कार के पार्ट्स को डेवलप करना स्टार्ट कर देते हैं, तो ओवरलैपिंग होती है। तो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी जो है वो पाइपलाइनिंग टेक्निक का ही यूज करती हैं प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करने में। फिर हमने देखा था कि सीपीयू का परफॉर्मेंस हम बढ़ा सकते हैं या तो फास्टर सर्किट्स बढ़ा दें, लेकिन वो कॉस्टली टेक्निक है। दूसरा क्या है, हम हार्डवेयर को इस टाइप से अरेंज कर दें कि एक टाइम में हम मल्टीपल टास्क या ऑपरेशन परफॉर्म कर सकें। तो पाइपलाइनिंग में हम यही करते हैं। तो पाइपलाइनिंग क्या है? इज ए प्रोसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ हार्डवेयर एलिमेंट्स ऑफ सीपीयू सच दैट इट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस इज इंक्रीज। तो हम सीपीयू के कंपोनेंट्स या हार्डवेयर को इस टाइप से अरेंज करते हैं कि मैक्सिमम टाइम हमारा सीपीयू बिजी रहे। और सीपीयू कैसे बिजी रहेगा? जब उसके पास जो हार्डवेयर है वो ओवरलैप वे में यूज कर रहे होंगे ऑपरेशंस, या हम कह सकते हैं साइमल्टेनियस एंड ओवरलैप्ड एग्जीक्यूशन ऑफ मोर देन वन इंस्ट्रक्शन टेक्स प्लेस इन ए पाइपलाइन प्रोसेसर। तो एक साथ तो हो रहे हैं लेकिन ओवरलैपिंग हो रही होती है, एक डिकोड हो रहा है तो दूसरा फैच हो रहा होगा, तो ओवरलैपिंग वे में साइमल्टेनियस एग्जीक्यूशन होता है एक से ज्यादा इंस्ट्रक्शन का, किसमें? पाइपलाइन प्रोसेसर्स में। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं डिजाइन ऑफ बेसिक पाइपलाइन। पाइपलाइन कैसे डिजाइन की जाती है? इन्हें पाइपलाइन प्रोसेसर अ पाइपलाइन हैज टू एंड्स, द इनपुट एंड एंड द आउटपुट एंड। तो पाइपलाइनिंग में दो एंड्स होते हैं, एक इनपुट एंड और एक आउटपुट एंड। बिटवीन दीज एंड्स देयर आर मल्टीपल स्टेजेस ऑफ सेगमेंट सच दैट आउटपुट ऑफ वन स्टेज इज कनेक्टेड टू इनपुट ऑफ नेक्स्ट स्टेज एंड ईच स्टेज परफॉर्म्स ए स्पेसिफिक ऑपरेशन। तो पाइपलाइनिंग में हम क्या करते हैं, मल्टीपल स्टेजेस बनाते हैं, और ये किससे कनेक्टेड होती है? इनपुट और आउटपुट से, और एक स्टेज का आउटपुट दूसरे स्टेज को भेजा जाता है विद द हेल्प ऑफ लैच या रजिस्टर्स के थ्रू। ये कॉमन क्लॉक पे वर्क करते हैं और हर स्टेज जो है वो अपना स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करती है। तो इसे आप कह सकते हो बेसिक पाइपलाइन और लीनियर पाइपलाइन है ये। हेयर इंटरफेस रजिस्टर्स और लैच और बफर, जो इंटरफेस रजिस्टर्स हैं जो एक स्टेज का आउटपुट दूसरी स्टेज को इनपुट की तरह दे रहे हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, लैच या बफर, आर यूज्ड टू होल्ड द इंटरमीडिएट आउटपुट बिटवीन टू स्टेजेस। तो जो इंटरमीडिएट आउटपुट आ रहा है टू स्टेजेस के बीच में, उसको होल्ड करने के लिए यूज होते हैं। ऑल दी स्टेजेस एंड इंटरफेस रजिस्टर्स इन दी पाइपलाइन आर कंट्रोल्ड बाय अ कॉमन क्लॉक। और जितने भी स्टेजेस हैं और जो ये रजिस्टर्स हैं यानी लैचेस हैं, वो किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं? कॉमन क्लॉक के थ्रू कंट्रोल किए जाते हैं।
अब जो पाइपलाइनिंग है वो टू टाइप्स की होती है, एक होती है अरिथमेटिक पाइपलाइन और एक होती है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। अरिथमेटिक पाइपलाइन कब यूज करते हैं? इट इज मोस्टली यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द कंप्यूटर्स, जितने भी कंप्यूटर्स है सब में ही अरिथमेटिक पाइपलाइन यूज की जाती है। दे आर यूज फॉर फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस, मल्टीप्लीकेशन ऑफ फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स ईटीसी। मेनली कब यूज होती है? फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक ऑपरेशंस जब हमें परफॉर्म करने होते हैं या फिर मल्टीप्लीकेशन करना होता है फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स का। फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स मतलब पॉइंट्स वाले नंबर, 2.5 इंटू 10^3 जैसे लिखा, तो ये एक फ्लोटिंग पॉइंट नंबर है, तो इस पे प्लस करना है, माइनस करना है, मल्टीप्लीकेशन करना है, या फिक्स्ड पॉइंट नंबर जैसे 2 × 3 करना है आपको, तो ये फिक्स्ड पॉइंट नंबर्स हैं, तो इन पे अगर मल्टीप्लीकेशन करना है तो भी अरिथमेटिक पाइपलाइन का यूज होता है। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक पाइपलाइन कैन बी अप्लाई टू वेरियस कॉम्प्लेक्स एंड स्लो अरिथमेटिक ऑपरेशंस टू स्पीड अप द प्रोसेसिंग टाइम। तो अरिथमेटिक पाइपलाइन का हम कब यूज करते हैं? जब हमें किसी कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो या किसी स्लो अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म करना हो, क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स होगा ऑपरेशन उसको परफॉर्म करने में टाइम ज्यादा लगेगा, तो उस टाइम को रिड्यूस करने के लिए या प्रोसेसिंग टाइम को बढ़ाने के लिए, प्रोसेसिंग स्पीड को बढ़ाने के लिए अरिथमेटिक पाइपलाइनिंग का यूज होता है। अब एग्जांपल में हम देख लेते हैं एक फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक पाइपलाइन। ठीक है, फ्लोटिंग पॉइंट अरिथमेटिक पाइपलाइन में हम क्या देख रहे हैं? एडिशन ऑफ टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स। टू फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स जैसे एक है 2 × 10^3 और एक है 3 × 10^5 सपोज। ठीक है, तो इस केस में हमें इन दोनों को नंबर्स को ऐड करना है, तो हमें पता है कि दोनों जो है इसमें जो नंबर है उसमें मेंटीसा होगा और एक्सपोनेंट होगा। तो यहां पर क्या हो रहा है कि ये दोनों ऐड नहीं हो सकते क्योंकि दोनों का एक्सपोनेंट क्या है? डिफरेंट है। तो सबसे पहला काम क्या होगा? एक्सपोनेंट को हमें कंपेयर करना होगा, तो हम एक कंपेयर एक्सपोनेंट स्टेज बनाएंगे, स्टेज वन। इसको हम दो इनपुट्स देंगे ए बी, जिसमें मेंटीसा पार्ट होगा और एक्सपोनेंट पार्ट होगा। तो ये स्टेज क्या करेगी? इन दोनों के एक्सपोनेंट्स को कंपेयर करेगी। इसने चेक किया क्या 3 = 5 है क्या? नहीं, 3 < 5 है, इसका मतलब इक्वल नहीं है। तो फिर उस केस में क्या होगा? अलाइन एक्सपोनेंट्स, एक्सपोनेंट्स को अलाइन करना पड़ेगा, यानी सेम करना पड़ेगा। तो इसका 10^5 है, इसको 10^5 बनाना पड़ेगा। तो 10^5 बनाने के लिए 10^2 से मल्टीप्लाई करना होगा और 10^2 से डिवाइड करना होगा, तो ये हो जाएगा 0.002 × 10^5। तो इसने दोनों के एक्सपोनेंट्स को सेम अलाइन कर दिया। फिर क्या होगा? इन दोनों के मेंटीसा यानी 0.02 और 3 आपस में ऐड हो जाएंगे, तो ये क्या हो जाएगा? 3.02। अब नॉर्मलाइज रिजल्ट्स, तो नॉर्मलाइज रिजल्ट में क्या होगा? मेंटीसा हो गया 3.02 और एक्सपोनेंट हो गया 10^5। आप इसको चाहो तो 302 कर सकते हो नॉर्मलाइज करने में, तो 3022 ये हो जाएगा 10^3। तो इस टाइप से जो है फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को ऐड करने के लिए 4 स्टेजेस का यूज होता है। पहले कंपेयर करने के लिए एक्सपोनेंट्स, फिर उनको अलाइन करने के लिए, फिर मेंटीसा को ऐड करने के लिए, फिर नॉर्मलाइज करने के लिए। तो ये अरिथमेटिक पाइपलाइन थी फ्लोटिंग पॉइंट एडिशन ऑफ टू नंबर्स। सेकंड टाइप है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन। इन इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन अ स्ट्रीम ऑफ इंस्ट्रक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय ओवरलैपिंग फैच डिकोड एंड एग्जीक्यूट फेसेस ऑफ एन इंस्ट्रक्शन साइकिल। तो इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में हम क्या करते हैं? फैच डिकोड एंड एग्जीक्यूट फेसेस जो होते हैं इंस्ट्रक्शन साइकिल के, उनको ओवरलैप वे में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था। दिस टाइप ऑफ पाइपलाइनिंग इज यूज्ड टू इंक्रीज द थ्रूपुट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। थ्रूपुट मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम, पर यूनिट टाइम में कितने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होंगे। तो पाइपलाइनिंग के थ्रू क्या होगा? ये इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि कम टाइम में ज्यादा इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होते हैं ओवरलैपिंग फॉर्म में एग्जीक्यूट करने पर। The process of executing the instruction involves the following major steps: fetch the instruction from main memory, decode the instruction, fetch the operands, execute the decoded instruction. तो किसी भी instruction को execute करने के लिए हमें पहले instruction को main memory से fetch करना पड़ता है, access करना पड़ता है। तो जब भी कोई instruction execute होता है तो CPU क्या करता है? पहले उस instruction को main memory से fetch करता है, उसको डिकोड करता है, मतलब पता करता है कि इसमें एडिशन करना है, सबस्ट्रैक्शन करना है या कंपेयर करना है, किस टाइप का ऑपरेशन इस इंस्ट्रक्शन के थ्रू परफॉर्म करवाना है। फिर उसमें जो ऑपरेंड्स की जरूरत होगी उनको फैच करता है और फिर फाइनली उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। तो यहां पर भी अलग अलग टास्क परफॉर्म होते हैं इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए, तो इसीलिए ये पाइपलाइनिंग पाइपलाइन के फॉर्म में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। तो इसमें भी हम मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस को ओवरलैप वे में एग्जीक्यूट करवा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पाइपलाइनिंग।
तो इसमें कितनी स्टेजेस होंगी, फैच इंस्ट्रक्शन, डिकोड इंस्ट्रक्शन, फैच दी ऑपरेंड, एग्जीक्यूट दी इंस्ट्रक्शन। तो ये फोर स्टेजेस में हो जाएगा। इंस्ट्रक्शन पहले यहां पर आएगा, इंस्ट्रक्शन की एड्रेस आएगी किसके पास, फैच के पास, कि कौन से इंस्ट्रक्शन को फैच करना है, तो ये मेमोरी से फैच कर लेगी स्टेज इंस्ट्रक्शन को। फिर डिकोड स्टेज से क्या होगा, पता किया जाएगा कि किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है, ऐड है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, ठीक है, कंपैरिजन है, किस टाइप का इंस्ट्रक्शन है। फिर उसको जो ऑपरेंड्स चाहिए होंगे वो मेमोरी से फैच किए जाएंगे इस स्टेज में, और फाइनली उसको सीपीयू देके उस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट किया जाएगा। तो यहां पर हमें जो भी इंस्ट्रक्शन का रिजल्ट होगा वो मिल जाएगा। तो इस टाइप से ये इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन वर्क करती है। इसमें कैसे इसका स्पेस टाइम डायग्राम बनता है, इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन प्रोसेसर में स्पेस टाइम डायग्राम से हम बता सकते हैं कि कैसे इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो ओवरलैपिंग वे में एग्जीक्यूट हो रहे हैं। तो I1 स्टेज 1 में एग्जीक्यूट हो रहा है सबसे पहले, फिर जब I1 जो है स्टेज 2 में जाएगा तो उस टाइम I2 जो है, अगर स्टेज 1 में है इंस्ट्रक्शन, इसका मतलब है कि वो फैच हो रहा है, ठीक है। तो जब इंस्ट्रक्शन 1 फैच हो गया तो वो स्टेज 2 में चला जाएगा डिकोड में, और जब वो डिकोड में होगा तो सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो क्या हो रहा होगा, फैच हो रहा होगा। तो इसका फैच और इसका डिकोड जो है वो ओवरलैप वे में एग्जीक्यूट होंगे। फिर क्या हो रहा होगा, जब I1 जो है वो उसके ऑपरेंड्स फैच हो रहे होंगे तो उस टाइम सेकंड इंस्ट्रक्शन जो है वो डिकोड हो रहा होगा, और थर्ड इंस्ट्रक्शन क्या हो रहा होगा, फैच हो रहा होगा। नेक्स्ट टाइम यूनिट में क्या होगा, I1 जो है एग्जीक्यूट हो रहा होगा, स्टेज 4 में होगा मतलब एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और I2 जो है उसके ऑपरेंड फैच हो रहे होंगे, I3 क्या हो रहा होगा, डिकोड हो रहा होगा, और I4 क्या हो रहा होगा, फैच हो रहा होगा। अब जैसे ही I1 एग्जीक्यूट हो जाएगा हमें आउटपुट मिल जाएगा। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में, अब सारे 4 इंस्ट्रक्शन फैच हो गए, सपोज हमारे पास 4 इंस्ट्रक्शन थे तो 4 इंस्ट्रक्शन फैच हो गए। तो नेक्स्ट स्टेप में, नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में क्या होगा, I2 एग्जीक्यूट हो रहा होगा, I3 क्या हो रहा होगा, उसके ऑपरेंड फैच हो रहे होंगे, और I4 क्या हो रहा होगा, डिकोड हो रहा होगा। तो जैसे ही I2 एग्जीक्यूट हो जाएगा उसका आउटपुट हमें मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, I3 एग्जीक्यूट हो रहा होगा और I4 के ऑपरेंड फैच हो रहे होंगे। फिर नेक्स्ट क्लॉक साइकिल में I3 का आउटपुट मिल जाएगा और I4 क्या हो रहा होगा, एग्जीक्यूट हो रहा होगा, और फाइनली एग्जीक्यूट होकर आउटपुट मिल जाएगा। तो इस टाइप से जो है ओवरलैपिंग होती है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइन में इंस्ट्रक्शंस की। नेक्स्ट हम देख रहे हैं एडवांटेजेस ऑफ पाइपलाइनिंग, मोर एफिशिएंट यूज ऑफ प्रोसेसर। मोर एफिशिएंट यूज हो रहा है मतलब प्रोसेसर जो है वो मैक्सिमम टाइम बिजी रहेगा। इट इंक्रीजेस द थ्रूपुट ऑफ द सिस्टम, थ्रूपुट मतलब नंबर ऑफ इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूटेड पर यूनिट टाइम इंक्रीज हो जाएंगे। इट कैन सेव सर्किटरी, तो इससे सर्किटरी बच जाती है क्योंकि हम हार्डवेयर को इस टाइप से अरेंज करते हैं कि हम उसको पैरेलली एक्सेस कर पाए। डिसएडवांटेजेस क्या है, पाइपलाइनिंग इन्वॉल्व एडिंग हार्डवेयर टू द चिप सो कॉस्ट ऑफ द सिस्टम इंक्रीजेस। तो क्योंकि इसमें हमें हार्डवेयर को चिप पे हमें हार्डवेयर इंक्रीज करना पड़ता है, पाइपलाइनिंग को इम्प्लीमेंट करने के लिए कुछ हार्डवेयर हमें ऐड करना पड़ता है चिप पे, इसकी वजह से कॉस्ट ऑफ द सिस्टम बढ़ जाती है। इनएबिलिटी टू कंटिन्यूसली रन द पाइपलाइन एट फुल स्पीड, हम फुल स्पीड पे पाइपलाइनिंग को रन नहीं कर सकते हैं बिकॉज ऑफ पाइपलाइन हैजार्ड्स विच डिस्टर्ब द स्मूथ एग्जीक्यूशन ऑफ द पाइपलाइन। कुछ पाइपलाइन हैजार्ड्स होते हैं जिसकी वजह से हम पाइपलाइनिंग को फुली यूटिलाइज फुल स्पीड में एग्जीक्यूट नहीं कर सकते हैं, फुल स्पीड में यूज नहीं कर सकते हैं। और ये जो पाइपलाइन हैजार्ड्स हैं ये आप नेक्स्ट सेमेस्टर में पढ़ोगे कंप्यूटर आर्किटेक्चर में। तो कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जिसकी वजह से हम पाइपलाइनिंग को कंटिन्यूसली एग्जीक्यूट नहीं करवा सकते हैं, उसमें कुछ डिले आ जाते हैं जिसकी वजह से टाइम बढ़ जाता है।